हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में बताओ, लास्ट क्वेश्चन क्या किया तुमने? सर एक सेकेंड। सर लास्ट क्लास में वो वाला क्वेश्चन किया था हमने कि a+b+c=3, तो a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, पहली वाला क्वेश्चन। चलो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन ट्राई करो। अक्षत, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये तो नहीं समझ आएगी बात अभी, बट कोई नहीं, 5-10 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ जाएंगे। तो a+2b+3c की वैल्यू 1 दी गई है, आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है a³b² c की। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो हमने वहां पे देखा था कि हम इसको ब्रेक करके लिखते थे। आपको वही समझना है किस तरीके से ब्रेक करें। 3 a चाहिए होंगे, 2 b चाहिए होंगे और 1 c चाहिए होंगे, जिसकी आप ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। लास्ट क्लास में बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है चेक करने के लिए कि आप समझ पाए कि नहीं। तो बता दो मेरे को a³b² c की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। और आपको अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही करना होगा, ये भी पहचान में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहा है। जी आया किसी का आंसर क्या? वो लग नहीं रहा। बिल्कुल लगेगा। चल बता मेरे को, मेरे साथ कर। कितने ए चाहिए तेरे को? राइट हैंड साइड पे ए क्यूब दे रखा है, ए 3 तीन ए चाहिए होंगे चाहिए, तो हाँ तो कितने ए हैं अभी? एक है ना, 3 बना ले इससे। कैसे बनाएगा? 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा इस वाले में पूछ रहा, मेरे को लगा मेन इक्वेशन था। तो a/3 3 बार, फिर p/2 दो बार आएगा, उसके बाद बी c बाई टू एक क्यों बार लेना आएगा। है? 2b नहीं है क्या? 2b, 2b को ही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा
भाई ए को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, अब टू बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा तो बी और बी बन गए, नहीं? यस सर, ठीक है। और एक सी चाहिए तो थ्री सी को एज इट इज लिख दिया, अब हो जाएगा सर। डिवाइडेड बाई छह करा, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आनी चाहिए, ए बाई थ्री इंटू ए बाई थ्री इंटू ए बाई थ्री, यानी कि ए बाई थ्री का होल क्यूब, जिसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए क्यूब अपॉन 27, बी इंटू बी का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इंटू थ्री सी की होल पावर 1/6। ये पूरी वैल्यू तो वही है एक्चुअली जो ऊपर था, 1 बन गया, तो 1/6 पूरी पावर कर दी 6 दोनों तरफ, इससे क्यों उधर बच जाए ए क्यूब बी स्क्वायर, 3 से 27 भी कट गया, 9 आ गया, यानी ये बन गया 9 इंटू 6 की पावर 6, ए क्यूब बी स्क्वायर सी की वैल्यू 9 अपॉन 6 की पावर 6 से हमेशा छोटी रहेगी, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बस तो 2-3 हटा दो, 3 की पावर 4 2 की पावर 6 बच जाएगा, 3 की पावर 6 इज 64, 3 की पावर 4 इज 81, 64 81 को कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर सी की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है। आगे बढ़ना है, कोई बचा है तो बता दीजिए। ये वही कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट क्लास में करा है। रोशनी देवांश, ये बात समझ आई क्या करा है? यस देवांश, पूछ सकता है, बता, कोई प्रॉब्लम तो? सर 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या बोल रहे हैं देवांश? आपसे बहुत बार सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी और डायरेक्टली सारी चीजें कैंसिल नहीं होगी, जैसे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आपसे सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं सम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ लेट्स से कुछ ऐसे दिया गया आपको कि कोई नंबर है के है, चलो कोई नंबर के, के की पावर 4 दिया और के पॉजिटिव नंबर है, एक सेकंड। तो सबसे पहली चीज तो आप समझ लो कि देखो सम की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आपने क्वेश्चन करना शुरू करा, ये चीज सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, सम की मिनिमम वैल्यू तो हम ए एम ग्रेटर देन जी एम से निकाल सकते हैं। देखो आपने अगर डायरेक्टली ए एम लगाया तो क्या होगा, डायरेक्टली एम जी एम लगाया तो के की पावर 4 प्लस 2 इंटू के की पावर 3 प्लस 1 प्लस के की पावर -10, चार मेरे को ऑब्जर्वेशन दी गई थी, डिवाइडेड बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू चारों ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट,
आपने जैसे ही ये काम करा तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई हमारे पास के की क्या पावर्स बच गई है और क्या मतलब ये सॉल्व करके क्या है। आपने इसको सॉल्व करा, ये बना देखो के की पावर 4, के की पावर 3, के की पावर 7, के की पावर -10 के साथ सॉल्व होगी, के की पावर -3 बचेगी और 2 भी बचेगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन के की पावर -3 को नीचे ले जाता हूँ टू दी होल पावर 1/4, यानी कि ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। मिला ही नहीं आंसर, तो आंसर होता के खत्म हो जाता जब। भाई आपने तो ये काम मिनिमम वैल्यू ऑफ सम आप निकाल के आए हो, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से शुरू कर रहे थे, बट जब आप मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे तो आपने देखा कि हर बार हमारा वेरिएबल खत्म हो जाता था दूसरी साइड से। हर बार थोड़ी होगा, हमने शुरुआत में कहा था कि डायरेक्टली वाले क्वेश्चन थोड़ी दिए जाएंगे आपको, इनडायरेक्टली ये वेरिएबल खत्म करना है। किसी ना किसी सिंप्लीफिकेशन से पक्की बात है कि सॉल्व हो रहा होगा, आपको वो सिंप्लीफिकेशन चेक करना है कि वो सिंप्लीफिकेशन से कैसे मैं यहां से के हटा दूं, के नहीं चाहिए था मुझे। अगर आपने डायरेक्टली एम जी एम लगाया तो देखो उससे नुकसान ये हुआ कि जीएम वाली साइड पे पूरा आपका पैरामीटर खत्म नहीं हुआ, ये कॉन्स्टेंट के खत्म नहीं हुआ, और आपको के बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना। बस इसके अलावा बारिंग के इज ग्रेटर देन जीरो, क्या है के कुछ भी हो सकता है, तो आपको के यहां से रिमूव करना था, तो इसकी पहली बार आपको ये डायरेक्टली नहीं लगाना था, क्योंकि डायरेक्टली लगाते ही आप देख रहे हो कि आपकी के खत्म ही नहीं हो रही प्रोडक्ट में, वो आप यहीं से देख लो ना प्रोडक्ट करते हुए, चार को प्रोडक्ट करोगे के बच जाएगा। तो हमें इस तरीके से एमजीएम लगाना है कि के बचे ना। अब इसका तरीका समझो, ये देखो के की पावर 7 है, पॉजिटिव वाली के की पावर नेगेटिव वाली है -10, यानी कि हमें प्लस के 3 पावर और चाहिए थी। अगर आप इसको इस तरीके से लगाते के की पावर 4, 2 के की पावर 3 को ऐसे लिख लो, के की पावर 3 प्लस के की पावर 3, ऐसी तो है ये 2 के की पावर 3 ऐसी तो बनी होगी, इन दोनों को अलग अलग लिखो, के क्यूब प्लस 1 प्लस के की पावर -10। आप 4 से 5 ऑब्जर्वेशंस बना दो इनको। आपने बनाई क्यों ये, क्योंकि अब देखो अगर आप इन पांचों पे जीएम लगाओगे ना तो के की सारी पावर्स खत्म हो जाएगी, के की पावर 4 इंटू के क्यूब इंटू के क्यूब इंटू 1 इंटू के टू दी पावर -10 टू दी होल पावर 1/5, सारा के खत्म हुआ, पॉजिटिव में भी 10 पावर बनी, नेगेटिव में भी 10 पावर बनी, और देखो सम भी वही बना, सम में भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी वैल्यू आई 1 सॉल्व करने के बाद पूरा, क्योंकि यहाँ पे के की पावर 0 1 ही बच गया अंदर, तो 1 की पावर 1/5 इज 1, 5 को उधर भेज दिया, तो जिस सम की आप मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे निकल गई, ये 5 से छोटा कभी नहीं होगा किसी भी केस में। ये आंसर, यानी कि जब आपको सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो प्रोडक्ट वाली साइड पे बचना नहीं चाहिए कुछ भी के, जो भी कांस्टेंट हो, जो भी चीज हो आपके पास वेरिएबल, प्रोडक्ट वाली साइड पे कांस्टेंट नंबर आना चाहिए कुछ। मैं नहीं कह रहा वो 1 ही आए, 2, 5, 2 की पावर 1/5, कुछ भी आए किसी भी तरीके का आए, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं, के नहीं बचना चाहिए। तो उसके लिए आप देखो कि आपके टर्म्स को ही ब्रेक करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पावर सारी खत्म हो जाए। डायरेक्टली एम लग जीएम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से नहीं होंगे बट ये क्वेश्चन सॉल्व। और इसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा, ये मैं आपसे लास्ट क्लास में बोल भी रहा था कि मैं कराऊंगा, वो समझ नहीं आया बच्चों को क्वेश्चन किस करो, समझ भी आ जाए तो भी समझना पड़ता है कि कैसे हम एम ग्रेटर देन इक्वल टू उसमें जीएम लगाए। आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई कहीं भी दिक्कत है, क्योंकि सेकंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम प्रॉपर्टीज ऑफ एम जीएम पे, और ये आपको ही करने से पर्पस वही रहा, बट हमारा हमने क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के देख लिए अलग अलग वैरायटी। जब सम की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो
प्रोडक्ट वाली साइड से पूरा वेरिएबल हटा दो, जब प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो सम वाली साइड से पूरा वेरिएबल हटा दो, पर्पज चेंज नहीं हुआ दोस्त, पर्पज वही है। ये पूछा गया आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है सम की, आपको यहां से समझ आना चाहिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाना है, पर प्रोडक्ट वाली साइड पे ए बचना नहीं चाहिए, इस तरीके से टर्म्स को ब्रेक करते हुए लगा बता दीजिए जरा आंसर फटाफट। छह नंबर्स दिए गए हैं, आप पहले तो छह के छह पर डायरेक्ट एम जी एम लगा के देख लो क्या ये कैंसिल हो जाएगा पूरा जब प्रोडक्ट निकालोगे तो। नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए हमें, कुछ ना कुछ मतलब टर्म्स को ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि ए की पावर सारी खत्म हो जाए। तो पिछली बार देख जब तुमने 2k की पावर 3 को k की पावर 3 और k की पावर 3 में करा था तो तेरे पास एक तीन पावर और बढ़ गई थी k की, तीन तीन छह चार दस वाले कोई करेंगे हो जाएगा, क्या करेंगे सर अगर ये k की पावर 3 होता ना तो भी मैं इसको ऐसे लिख देता था जो भी करके आया था a by 2 a by 2, तो अगर तू k की पावर 3 को ऐसे ब्रेक करता तब भी प्रोडक्ट वाली साइड पे पूरा के खत्म हो जाता, समझ आई बात है क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इससे मतलब नहीं है कोफिशियंट वाली टर्म को ही ब्रेक करेंगे, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए अपना, यहां पे टू दिया हुआ था तो इसलिए इसको ब्रेक कर अभी उससे बन रहा था। हाँ अगर k की पावर 3 देते तो फिर हमें ये सोचना था कि 10 कैसे बनाऊं, चार 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 वाले को भी दो में तोड़ सकते थे पर चार चार आठ तीन ग्यारह हो जाता है। Yes. तो तीन तीन छह चार दस बन रहे ऐसे बन गया। Yes, तो जो काम तूने करा बन गया, उससे बन जाना चाहिए अब देख। कर ले सॉल्व और आंसर बता दे। राइट फाइव करेक्ट है देवांश, बस एक ही आंसर चाहिए था यार, एक मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे पास चीजें हैं ए की पावर माइनस फाइव, ए की पावर माइनस फोर, थ्री ए की पावर माइनस थ्री, वन ए की पावर एट एंड ए की पावर टेन। पॉजिटिव वाली ए की पावर 16 बन रही है, नेगेटिव वाली ए की पावर सभी तो 12 बन रही है, माइनस छह और जी। तो हमने थ्री ए की पावर माइनस थ्री को ए की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस थ्री के फॉर्म में तीन अलग अलग टर्म्स बना दी इससे, तो टोटल टर्म्स होगी तीन तीन छह
दो आठ, और अब इनका प्रोडक्ट अगर निकालता हूं तो ए की पावर पॉजिटिव में भी 18 बनेगी, नेगेटिव में भी 18 बनेगी। तो यहां से हमारे पास ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाने का तरीका आ गया। तो दिस वुड बिकम ए टू द पावर माइनस फाइव प्लस ए टू द पावर माइनस फोर प्लस ए की पावर माइनस थ्री प्लस ए की पावर माइनस थ्री प्लस ए की पावर माइनस थ्री प्लस वन प्लस ए टू द पावर एट प्लस ए टू द पावर टेन। दिव्यांशु आंसर क्यों नहीं आया? सही तो कर रहा था बिल्कुल। एट आ रहा है ना, एट आंसर है। बिल्कुल एट आ रहा है, बताया नहीं मैंने। तो ये बना हमारे पास पांच आठ टर्म्स है टोटल, तो डिवाइडेड बाय एट, और आठ के आठ का प्रोडक्ट करेंगे तो ए की पावर माइनस में भी 18 बन रहा है, ए की पावर प्लस में भी 18 बन रहा है, टू दी होल पावर 1/8 बन रहा है, तो ये 1 ही बन गया, यानी कि इनके सम की मिनिमम वैल्यू होगी 8। इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे खत्म होता है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस। नाउ विल मूव ऑन टू सीरीज। हटा दें इसको, कोई बचा हो तो बता दें। ओके जी, सीरीज तो आप हेडिंग डाल दीजिए। मैंने आप सभी लोगों को सिग्मा सॉल्व करना सिखाया, सिग्मा सॉल्व करना, सिग्मा एक्सपैंड करना और सिग्मा रीड करना और सिग्मा का सिग्निफिकेंस समझना सिखाया कि सिग्मा क्या कर रहा है, व्हाट डज सिग्मा डू। तो सबसे पहली चीज, सीरीज में हम सिग्मा की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, सिग्मा को समझ रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको दो तीन चार जनरल बातें बताऊंगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें पहला टॉपिक रूल्स ऑफ सिग्मा। तो पहली चीज तो आपको सिग्मा में ये पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसे लिखा हो तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आर की, ये पहली चीज, तो ये तो सिग्मा हो गया, ये हुआ वेरिएबल ऑफ सिग्मा, मैंने पहले भी लिखवाए थे, बट क्योंकि आज हम सिग्मा की पहली बार बात कर रहे हैं और जो कि कई बार यूज होता रहेगा सिग्मा बार बार, इंपॉर्टेंट चीज है भाई सिग्मा समझना, नहीं दिक्कत आएगी अभी आपको अगले दो चैप्टर्स पर बीएनसी और बीएफआई में, वहां पे तो सिग्मा मैं ऐसे यूज कर रहूंगा क्योंकि वहां पे सीरीज और थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो मैं सिग्मा को और ज्यादा फ्रीक्वेंटली और सिग्मा को और ज्यादा पावरफुली यूज कर रहे होंगे। तो आर होगी इसकी लोअर लिमिट, बी होगी इसकी अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ वेरिएबल, लोअर लिमिट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिग्मा। इसका मतलब ये होगा कि हम आर की वैल्यू आइट्रेट कराते जा रहे हैं, आइट्रेशन का मतलब होता है हम पुट कर रहे हैं आर को पहले क्या ए, और आइट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि लगातार ये काम कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे आर की, और कहां पुट करेंगे, जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है एफ आर, तो आर की वैल्यू आप सबसे पहले पुट करेंगे ए, तो ये बन जाएगा एफ ए, सिग्मा आके अपना काम करेगा प्लस लगा देगा, फिर आप आर की वैल्यू ए प्लस वन पुट करेंगे ए से अगली, फिर आप आर की वैल्यू ए प्लस टू पुट करेंगे उससे अगली, सिग्मा इन सारी वैल्यूज में प्लस लगाता चला जाएगा, लास्ट में आप वैल्यू पुट करेंगे एफ बी। तो आपको जनरल चीज बतानी चाहिए सिग्मा को एक्सपैंड कैसे करना है, समझना कैसे,
इन सारी चीजों से समझा जाएगा सिग्मा को। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब आप सिग्मा को ये लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए टू बी, दो फंक्शन दिए गए हैं लेट्स से अंदर, एफ आर प्लस माइनस जी आर, एक फंक्शन एफ है एक फंक्शन जी है, दोनों आर के ही फंक्शन या किसी भी चीज का फंक्शन हो में इससे मतलब नहीं। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आर इज फ्रॉम ए टू बी, एफ आर प्लस माइनस, दूसरे के साथ अलग सिग्मा ले जाइए, आर इज फ्रॉम ए टू बी जी आर, बट सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, यानी कि आप ये नहीं लिख सकते, अगर एफ आर इंटू जी आर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उस पर अलग अलग सिग्मा नहीं लेके जा सकते। वैसे ही आप सिग्मा को डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एफ आर और जी आर, यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एफ आर के साथ अलग सिग्मा ले गए और जी आर के साथ अलग ले गए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही ये डिस्ट्रीब्यूट है। आगे बढ़े जी, कूल। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी से स्पेल थोड़ा रह रहा है, हैंड रेज कर दिया करो, उसमें पता चल जाए। अभी मैं पूरा पेज भर जाया करें तो तुम तभी कर सकते हो, चलो बट अभी जगह है मेरे पास। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है किसी फंक्शन के साथ तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के टाइम्स सिग्मा आर इज फ्रॉम ए टू बी एफ आर, वेयर के इज कांस्टेंट। के कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, फिफ्थ के बाद मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए भी और साथ साथ जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उसको बनाने के लिए भी, दोनों पर्पस के लिए काम होंगे। हम आइए अवेल विल एंड एट 9 आगे बढ़े जी, सारा हो गया क्या नोट, जिसका ना हो हैंड रेस कर दे बस पता चल जाएगा। चलो तो फिर जब तक ये नोट कर रहा है तुम सब लोग ये करो, 2R लिखा हुआ है, 2R और आर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं फिफ्थ प्रॉपर्टी,
हाँ जी, बना लिया है सभी लोगों ने? अक्षत क्या एक्सप्रेशन बना है बताएगा? फटाफट बता दे मेरे को, ऐसी बोल के बता दे क्या क्या बन रही है वैल्यूज। जस्ट वॉन्ट टू चेक कि तेरे को समझ आया कि नहीं, कैसे एक्सपैंड कर रहे होंगे। देवांश बताएगा? रोशनी? यस सर। एक्सपैंड करना है, ये हमें बताना है क्या बना, बताएगी? सर आर इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है? वन से फोर एंड द एक्सप्रेशन इनसाइड सिग्मा इज टू आर। टू फोर सिक्स एट। टू फोर सिक्स एट, और क्या बनेगा साथ में? बस ऐसे ही टू फोर सिक्स एट ही लिखना है नो सर, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट है ना? यस सर। बिल्कुल। और अब देखो, मैं आपको प्रूव कराना चाहता हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से टू कॉमन निकाल दे रहा हूँ पूरा, और लिख रहा हूँ उसको वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या है? सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 4 सिग्मा आर, यही तो है। आप आर को 1 से 4 रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ही बन जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपका 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई में है या फोर दैट मैटर डिवाइड में भी है, डिवाइड में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, आप कॉन्स्टेंट को बाहर ले आइए और अंदर उस पर सिग्मा लगा दीजिए फंक्शन ऑफ आर पे, जो भी फंक्शन ऑफ आर है। इस बार आर ही था, हो सकता है कुछ और होता, जो भी है आप अपने कांस्टेंट को बाहर ले आइए। तो ये देखो, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेरी क्या है, मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहां पर लिख दे रहा हूँ। उससे पहले पर उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। चलो मैं नीचे लिख दूँ, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेरी वैसे ये है, सिग्मा आर इज फ्रॉम ए टू बी के, के कोई कांस्टेंट है। अगर किसी कांस्टेंट पे सिग्मा लगाते हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर ये आंसर क्या आएगा, इससे पहले आप मुझे ये आंसर दीजिए। चलो इसे एक्सपैंड करके दिखाओ। तो रोशनी अभी तूने एक्सपैंड कर रही है, अब तू इसे एक्सपैंड कर ले, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा, आई होप तू सही आंसर बताए। तब तक मैं इनसे पूछूं जरा, अक्षत फिर से बताना चाहेगा, ये जो नीचे लिखा हुआ okay, इसको एक्सपैंड करके लिख। अक्षत फिर से आजा भाई, बताने मेरे को क्या बने गए कोडर, आंसर देने। ये तो वहां भी पाइथन में भी तो फोर लूप लगा के यही कर रहा होता है, बस फोर लूप प्लस नहीं कर रहा होता, या वाइल लूप प्लस नहीं कर रहा होता। प्लस के लिए तो जो डॉट अपेंड लगाना पड़ेगा खुद से। वहां भी लूप चला रहे हैं, यहाँ भी लूप कर रहे हैं। अब मुझे पता है लूप को सॉल्व कैसे करेंगे, ये लूप क्या है ये समझना है तेरे को, सिग्मा कैसे लूप है, बता क्या लिखेंगे। सिग्मा आर इज फ्रॉम वन टू फोर, थ्री पे हम लगा रहे हैं, दिव्यांशु लगाएगा इस पर, बता क्या बनेगा? नहीं अक्षत, नो This is correct, incorrect. तो इसमें आर के लिए तो कोई फंक्शन नहीं डिफाइन किया है ना, तो अगर हम वन लगाते हुए तो मल्टीप्लाई होगा शायद। ऐसे क्यों सोच रहे तू, क्यों होगा शायद, शायद तू अपनी तरफ से क्यों ले आया, जब इसमें आर कुछ है ही नहीं तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। कैसे? जब इसमें आर है ही नहीं तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वो तो अपनी तरफ से क्यों सोच रहा है कि ये मल्टीप्लाई होगा? यस सर, सर थ्री आंसर आएगा फिर तो। नहीं थ्री नहीं आएगा बस आंसर, यही यही एक छोटी सी बात है अक्षत, यही ये इससे आगे बढ़,
हाँ देवांश करेक्ट आंसर। रोशनी बताएगी। सर जीरो वाई जीरो। हाउ डिड इट हाउ डिड वी रीच टू जीरो, वी हैव थ्री। नो नॉट जीरो। देखो अब इसको हम एक्सपैंड करना, देवांश बताएगा इसको कैसे एक्सपैंड करें। सर मैंने तो वो पाइथन वाले कॉन्सेप्ट से किया सर, उसमें बता। लूप, सर उसमें लूप में जस्ट ऐड करते जाते हैं ना, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं था तो डायरेक्ट उसकी बेसिक वैल्यू ऐड हो गई। बिल्कुल सही बात है, लॉजिक से चलना होता है, यही सिखाती है लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज ना लॉजिक तुम्हारे अच्छे करा देती है। और हम तुम्हें यहाँ सारी बातें लॉजिकली समझा रहे होते हैं, लॉजिकली ही समझाने की कोशिश भी करते हैं, तुम समझते नहीं। जब कोडिंग करनी पड़ती है तो वहां पर तो प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तो इसलिए वहां तो अपना लगा रहना पड़ता है, नहीं ये करना है ये करना है। बिल्कुल वही बात है, सही बोला देवांश ने कि भाई यहाँ पे आप आर का तो वेरिएबल है नहीं कोई, तो ये क्या करेगा। आपने आर की वैल्यू 1 दी, इसने कहा मेरे पास तो आर है नहीं, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं, मैं तो 3 दे दूंगा। आपने कहा ठीक है जी, आपने R1 रखा, आंसर मिला 3, क्योंकि R ने कोई इफेक्ट ही नहीं डाला। अब आप R2 रखने गए, तो जब आप R2 रखने गए तो प्लस नहीं लगाओगे क्या, सिग्मा की, सिग्मा तो ये भी काम कर रहे हैं ना साथ साथ। आपने R को 2 रखा तो भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो भी इसने 3 दिया, भाई उसके पास R है ही नहीं ना, क्या करे वो, लाचार है बेचारा। तुम मतलब क्या चाहते हो उससे, क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। हाँ करेक्ट है बक्षक, तो सेकेंड में वो फिर से 3 दे देगा। आपने आर को 3 रखा वो फिर से 3 दे देगा, आपने आर को 4 रखा वो फिर से 4 दे देगा, उसे नहीं मतलब आप आर को क्या रखो। एज लॉन्ग एज सिग्मा के अंदर सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोई आर का फंक्शन ही नहीं है, अब आप आर को रखते जाओगे पर हर बार वो आपको वैल्यू वही देगा कॉन्स्टेंट। आपने R1 रखा उसने 3 दिया, आपने R2 रखा उसने फिर से 3 दिया, आपने R3 रखा उसने फिर से 3 दिया, आपने R4 रखा उसने फिर से 3 दिया, बस चारों बार ऐड करता गया, तो आंसर आया 12। ओके क्या ये बात क्लियर है सब चारों लोगों को, किसी को भी डाउट हो पूछ लो अभी। नो सर, नो सर, तो सर ये हो जाएगा ना बी के। हाँ बीके। यस गुड गुड दिव्यांशु, आपने गलतियां करनी तो शुरू करी, गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। और सर, गलती तो लिमिट भी कर, तो मैटर करती है, आर लिमिट ही कहाँ। मैटर करती है, एक बात तो ये समझ ले, पर यस कैसे, ऐसे नहीं बीके, बीके से भी काम चलेगा, ये तो इस बार ट्रू हो गया बीके तो। ये हाँ, भी बताऊंगा तुझे, अभी अगर तुझे ये भी पता चल जाएगा बीके कब ट्रू होगा। आर, अगर आर सर 1 से होगा तो बेट होगा, हाँ अगर आर को 2 से करते थे तो बी के गलत हो जा सकते। हाँ यस गुड। तो हमें ये समझना है, मोटी सी बात तो यही है कि भाई जितनी बार आप आर की वैल्यूज रखोगे उतनी ही बार 3 ऐड होता जाएगा। आपने आर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक रखी, 4 बार रखी, तो 3 4 बार ऐड हुआ, तो 3 × 4 से भी निकाल सकते थे इसका आंसर। बट अगेन हमें कैसे पता चले किससे मल्टीप्लाई करें, भैया जितनी सिग्मा के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोस्त उससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हर टर्म में आ तो 3 रहा होगा, तो 3 को 5 बार ऐड करूं या 3 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये भी बात समझ आ गई सभी लोगों को, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टेंट्स का सम निकालने के लिए जब भी आप सिग्मा पे कॉन्स्टेंट लगा रहे हो तो के को उतनी बार ही तो रखोगे जितनी बार आई को आइट्रेट करा रहे हो, और आर को आइट्रेट कितनी बार करा रहे हो, ए से लेके बी तक करा रहे हो, तो a a+1 a+2 अप टू बी तक जाएंगे, तो ये कितना है, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको k × टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए जी आप सबसे पहली चीज तो। अब आपसे गुड अक्षत, गुड अब आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल पाई जाएंगी, 5th क्लास का क्वेश्चन है, पर देखना आप गलत करोगे इसे। 5th क्लास वाले को मैं गिनती करवा के दूं तो वो गिनती कर देगा, आपसे देखते हैं हो पाएगी कि नहीं। ये लो सिग्मा लगाया है 7 पे। चलो पहले 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 और छोटा काम कर लेते हैं, तो पहले अगर मुझसे कोई ये पूछता है सिग्मा R is from 1 to 7, 7 का आंसर बता दो, तो मैंने देखा अंदर कांस्टेंट है 7 × टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 7 तक जा रहे हैं, 60 टर्म हो गई, आंसर आया 49। ऐसे निकाल सकता हूँ किसी का भी आंसर जब भी सिग्मा किसी कॉन्स्टेंट पर लगाए, तो सिग्मा लगाया 4 पे, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो 4 × टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, 4n आ गया आंसर।
अब आपने मुझे आंसर बताना है, चलो बताना जरा। तो आपको गिनना तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी है बता दो जरा। पांच फाइव देखो, गिनने वाली बात यह है कि सात में से तीन घटाते हैं तो चार नहीं आता, मतलब सात में से तीन घटा रहे हैं तो चार आ रहे हैं, बट टोटल टर्म्स चार नहीं है, है ना, टोटल टर्म्स पांच है। तो आपने हमेशा करना क्या है, आप ये देखिए कि टोटल टर्म्स अगर आर की वैल्यू वन से शुरू होती सेवन तक जाती तो टोटल टर्म्स सात होती। आपने क्या करा, पहली दो छोड़ दी, फर्स्ट और सेकेंड, बस तीन से सात तक तो ली है ना, एक से सात तक लेते तो सात आती। आपने पहली दो छोड़ दी, फर्स्ट और सेकंड, थ्री से शुरू करा, टोटल टर्म्स हुई पांच, तो फोर इनटू फाइव। तो सर ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन। फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन, यस। तो के इनटू बी माइनस ए प्लस वन। ये कॉन्सेप्ट हमारे पाइथन में यूज होते हैं, डेफिनेशन, फंक्शन बनाते हैं जब हम, तो फंक्शन में लेट्स से हमें किसी लिस्ट का सम निकालना है, तो वहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लैम्डा लगाना पड़ेगा, लैम्डा होता है लैम्डा फंक्शन, वो सब चीजें, तो वहां पे हमें ये काम आती है चीजें। खैर पाइथन तो नहीं, मैथ्स से पढ़ लेते हैं, आगे बढ़े। यही प्रॉपर्टीज थी बस सिग्मा की, सिग्मा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, सिग्मा आप इन सब चीजों पे लगा सकते हैं। ओके, अब कुछ स्पेशल सीरीज आपको बताई जा रही है, अभी पता है आपको, आपने सबने सीक्वेंसिंग सीरीज स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में भी आपने तीनों सीरीज पढ़ी है, ये बहुत बेसिक सीरीज है और ये तीनों सीरीज आपको याद होनी चाहिए, सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको ये तीनों सीरीज याद होनी चाहिए। तो सिग्मा आर इज फ्रॉम 1 टू एन आर, इसको मुझे फटाफट कोई एक्सपेंड करके बता दो क्या है ये। लिख के नहीं, बोल के बता दो, इतनी मेहनत करते, बोल दो बता दो क्या बन रहा है सिग्मा आर, आर इज फ्रॉम 1 टू एन, सर एन स्क्वायर। आंसर नहीं बता, आंसर तो देखेंगे अभी, पहले ये एक्सपैंड तो कर इसको सिग्मा के साथ साथ, मतलब एक्सपैंड से मतलब कि हम आर को जब रखते जाएंगे तो क्या क्या बनता जाएगा। बोल दो भाई, सब वो होता जाएगा 1 + 2 + up to n terms। आर की वैल्यू वन से रखना शुरू करेंगे, वन रखेंगे वन, प्लस सिग्मा ने आया प्लस लगाया, टू रखेंगे टू, थ्री रखेंगे थ्री, ऐसे चलते चलते लास्ट में एन रखते, तो वन से लेके एन तक का समय है, ये बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से, जो आपने टेंथ में भी पढ़ा और जो मैंने आपको इलेवेंथ में भी बताया था शुरुआत में, इसका सम कैसे निकाल सकते हैं जी, एपी से निकाल सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल टर्म्स है n, तो n by 2, sum of first and last term 1 plus n, n into n plus 1 by 2 होता है, पर ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, चार से लेके तेरे को 15 तक का सम चाहिए तो हमें नहीं, तू अपना निकाल जैसे तुझे निकालना है, उसके लिए एपी लग सकता है, एक से 15 तक चाहिए तो डायरेक्ट ये लिख दे 15 × 16/2, एक से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए 100 × 101/2, अगर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं तो n इनटू उससे नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो अगर पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 50 × 51 / 2,
बट अगर पूछा जाए 10 से लेके 10 प्लस 11 प्लस 12 अप टू 50, इसका ये फॉर्मूला नहीं है। 10 से शुरू नहीं होना चाहिए सम, 1 से होना चाहिए था, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बोले जा रहे हैं। वो अलग बात है कि अगर तेरे को 10 से 50 तक पूछा जाए तो तू ऐसे कर सकता है इस चीज को कि 1 से लेके 50 तक का सम निकाल और उसमें से 1 से लेके 9 तक का सम घटा दे। अपने इसी फॉर्मूले से अगर तुझे निकालना है, ये है कि नहीं जी मैं तो इससे ही निकालूंगा, मेरे को नहीं लगाना है एपी, मेरे को आता ही नहीं एपी, 10 से 50 तक का सम मैं एपी से नहीं निकाल पा रहा, दिक्कत है मेरे साथ, मैं ये इससे निकालना चाहता हूँ आपने जो फॉर्मूला सिखाया, तो उसको ऐसे निकाल, 1 से लेकर 50 तक का सम में से 1 से लेकर 9 तक का सम माइनस कर दे। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है 50 इंटू 51 बाई 2, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है 9 इंटू 10 बाई 2 निकल जाएगा सम। अगले को एक्सपैंड करके बताएगा कोई? क्या बोल सकते हैं इसको? जैसे हमने पिछले वाले को बोला तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्या इसको भी बोल सकता हूँ कुछ? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एग्जैक्टली, सम ऑफ स्क्वायर्स और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर आप पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जानना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज करिए, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। और अगर आप वन से लेके एन क्यूब तक के फॉर्मूले का सम निकालना चाहते हैं, जो कि तीसरा एक्सप्रेशन है आपका, तो इसको रीड करेंगे पहली चीज तो हम सम ऑफ क्यूब्स, बट अगेन पहले एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब। आप 10 से लेके 50 तक का क्यूब निकालना चाह रहे हो, अगेन आप इस तरीके से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका आंसर होता है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यानी कि जो आपने पहले वाले एक्सप्रेशन में लिखा था सम, उसी का पूरा होल स्क्वायर क्यूब्स का सम होता है। विदाउट अ डाउट तीनों याद होने चाहिए। प्रूफ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए शायद, आई गेस प्रूफ देख लो, ना समझ आए मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई मतलब नहीं है कि हम प्रूफ कर लेंगे इसको, इस बात का याद होनी चाहिए तीनों एक्सप्रेशन, तीनों नहीं चारों, फोर्थ में लिखवा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं तुमने देखी आज तक कि नहीं देखी, मैं दिखाता हूं। पहले तो ये सीरीज एक्सपेंड करके बता दो कोई भी। वन थ्री फाइव सेवन नाइन अप टू एन तक नहीं जाएगा ना, टू एन माइनस वन। तुझे समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। इसकी वैल्यू एन स्क्वायर के बराबर होती है, पहले एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के बराबर होता है। पता नहीं आपने कभी ये देखा कि नहीं, पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, चार ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ऐसे अच्छा लगता है। पहले पहला ऑड नंबर वन, तो देखो वन का ही स्क्वायर है, पहले दो ऑड नंबर का सम टू स्क्वायर, पहले तीन ऑड नंबर का सम थ्री स्क्वायर, पहले चार ऑड नंबर का सम फोर स्क्वायर, करके देखो एडिंग को, एक तीन चार, पांच तीन आठ और एक नौ, नौ और सात सोलह, सोलह और नौ पच्चीस, पांच का स्क्वायर बन जाएगा अगले वाला वैल्यू, नाइन ऐड करते ही।
तो पहले n odd numbers का sum n square के बराबर आता है। आप जानना चाहते हैं फॉर्मूला कैसे बना, तो आप इसको एपी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एपी क्या कहता है? एपी कहता है जी आप अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ए पता है, डी पता है, तो मैं आपका आंसर बता दूंगा, टोटल मतलब एस एन बता दूंगा। बट वहीं पे वो ये भी कहता है कि एस एन का फॉर्मूला दूसरा ये होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज एन इन दिस केस एंड सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है वन, लास्ट टर्म है टू एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हुआ, ये बना टू एन इंटू एन, टू एन स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, तो एस एन आ गया एन स्क्वायर। सर थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये मैंने आज देखा था, मतलब मैं ऐसे यूट्यूब चला रहा था तो वहाँ पे एक वीडियो आई थी रामानुजन पैराडॉक्स करके, तो मैंने खोला तो उसमें से इसको इन्फिनिटी तक पे आंसर उन्होंने निकाल के दिखाया था माइनस वन बाई वन। लेकिन सर मेरे को लगा कि पूछते रहते हैं हर साल बच्चे। यस सर, उसमें जो उन्होंने सेकेंड स्टेज पे जो S2 अपना निकाला था उसमें मतलब वन को छोड़ के अलग करके फिर सेकेंड वाले से उन्होंने यूज किया, तो मेरे को लगा ऐसा क्यों करा, फर्स्ट वाले से ही करते यार। वो एक डिफरेंट सीरीज है, मैंने जैसे बताया ना कि एक सीरीज और मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आगे तक जाएगा काफी, सीरीज वीरीज हमें बहुत सॉल्व करनी पड़ती है, तो ऐसी अब जब बहुत सॉल्व करनी पड़ती है तो बहुत लोगों ने काम करा होगा ना इन सब चीज़ों पे, इसीलिए इतनी ज़्यादा अभी भी हम चाहते हैं बहुत सारी सीरीज ऐसी हैं जो सॉल्विंग, रामानुजन वॉज वेरी गुड एट सॉल्विंग सीरीज, मतलब काफ़ी अमेजिंग। ऐसे भी बोलते थे कि उन्हें कुछ रात में ड्रीम्स आते थे और उसमें वो इक्वेशन सॉल्व करके रख लिया करते थे, मतलब ऐसा उनका कहना था, उन्होंने कोई बुक थी उनकी उसमें उन्होंने लिखी थी ये सब बातें कि मेरे को रात में ड्रीम्स आते थे, माता आती थी, जो भी मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट तो मतलब कौन आते थे या क्या था, बट शी ही यूज टू मेंशन के देयर सम गॉडेस जो आती है रात में और मैं मेरे को सीरीज सॉल्व करा देती है, या वो कुछ कुछ चीज़ें मुझसे लिखवा देती है, वो अपने नींद में कुछ लिख लिया करते थे फिर वो उनको सॉल्व करते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिए उन्होंने, तो उन्होंने सीरीज पर भी काफ़ी काम करा है। तो ऐसी रामानुजन की सीरीज होती है जिनमें हम, जैसे मैंने आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना सिखाया था तो वहाँ पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दो तरीके की सीरीज डिस्कस करी थी अपने, वैसे ही रामानुजन ने बहुत सारी डाइवर्जिंग सीरीज पे काम करा और उनको कन्वर्जिंग बना दिया कुछ कुछ मेथड्स यूज करके, यानी कि उनका सम निकलवा दिया, तो वही चीज रामानुजन पैराडॉक्स है जो तुम पूछ रहे हो, पर हमारे सिलेबस से बहुत बाहर की बात है वो, इनफैक्ट हमारे वो ग्रेजुएशन के सिलेबस से भी काफी बाहर की बात है, पर हाँ उन्होंने काफी काम किया और उन्होंने इन सब सीरीज का सम निकलवाना हमें सिखाया, कि मतलब उन्होंने कहा कि इस सीरीज का सम हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, तो उन्होंने वही चीज एक्सप्लेन करी, बट अगर तू वो पढ़ेगा और मैं फिर समझाऊंगा तो तू काफी कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए उस तरफ मत जा। पर हाँ ऐसी सीरीज होती है रामानुजन पैराडॉक्स नंबर, रामानुजन सीरीज, एक और होता है रामानुजन, रामानुजन इनफाइनाइट सीरीज करके सर्च करेगा वो भी वीडियोस मिल जाएंगी, काफी कुछ मिल जाएगा तेरे को उस पर। जी आगे बोलो। ओके, ये चार सीरीज हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए और इसके अलावा इसके भी वन मिनट
चलो जी अब सीरीज सॉल्व करना सीखते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी जब हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे थे कि कभी भी मान लो मुझे किसी भी सीक्वेंस की सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, मैं तो प्रोग्रेशन में नहीं बोल रहा दोस्त, मैं तो सीक्वेंस बोल रहा हूँ, सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का मतलब, अब हैशटैग लगा के मेरे एक दो पॉइंट लिख लो, ये काम आएंगे तुम्हारे। सीरीज पे तो पहुंचेंगे, सीरीज से पहले तैयार होकर चलना है कि सीरीज को समझ पाए, सीरीज को सॉल्व कर पाए। तो SN जब हम सम ऑफ एन टर्म्स लिखते हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए तो इस तरीके से लिखते हैं, टी वन पहली टर्म, टी टू दूसरी टर्म, टी थ्री तीसरी टर्म, ऐसे ही करते हुए एनएच टर्म तक का अगर हम सम निकाल दें तो SN आ जाएगा। हर जगह यही निकालते, बस ये टर्म्स अलग अलग होती। एपी में भी यही करा था, जीपी में भी यही करा, एजीपी में भी यही करा। अच्छा हमने एजीपी पढ़ लिया क्या? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आई गेस नॉट, है ना सर? अगर एमजीएम के बाद करवाया था तो नहीं पढ़ा है, उसके पहले अगर करवाती है तो मैं नहीं था क्लास में, तो नहीं एमजीएम के बाद नहीं करवाया था। कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे, बहुत बड़ा तो टॉपिक नहीं बट कर लेंगे। अब चलो बोलिए, अब सीरीज शुरू करी नहीं तो सीरीज भी आते। तो किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी प्रोग्रेशन में आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालने, आप इस तरीके से निकालते। हम कह रहे हैं ये बात यही तो है, अगर आपको अभी तक सिग्मा एक्सपेंड करना आ गया तो आप देख सकते हैं ये बात यही तो है। टी आर जनरल टर्म, जनरल टर्म पे समेशन लगा दो। जनरल टर्म कौन सी टर्म? जो हर टर्म को रिप्रेजेंट कर दे। फॉर सम पर्टिकुलर आर, आर को आपने वन रखा, टी वन मिला, टू रखा, टी टू मिला, ऐसे चलते चलते टी एन मिला, सबको ऐड कर दिया, तो ये एस एन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए दोस्त इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप तो डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं अपना बहुत सारी चीजों का। कैसे? तो उसके जनरल टर्म निकाल, जो भी सीक्वेंस है जिसका सम निकालने का है उसकी जनरल टर्म निकाल और उस जनरल टर्म पे सिग्मा लगा तो आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आपको सीरीज दी गई होगी, सीरीज के पूछेगा वो सॉल्यूशन बताओ, या सिग्मा दिया होगा, सिग्मा दिया गया होगा, सीरीज दी गई होगी खोल के एक्सपैंड करके, एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी और फिर ऐसी लास्ट वाली, या दो तीन चार टर्म दे दी गई होंगी ये समझने के लिए कि सीरीज का पैटर्न क्या है। तेरे को सीरीज का पैटर्न समझना है, पैटर्न से जनरल टर्म लिखनी है और उस पर सिग्मा लगा देना है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। यही काम बार बार करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है हमारा, ये पर्पस है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। हाउ विल वी फाइंड इट? वी विल फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन। एज सून एज वी गेट द जनरल टर्म, वी गेट द सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहां से मुझे ये समझ आता है कि टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ एन टर्म्स वी फर्स्ट हैव टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये है पंगा। ये अगर आपने जनरल टर्म निकाल ली तब सम निकल जाएगा, सिग्मा लगाते सिग्मा के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी सारी चीजें। आप जनरल टर्म निकाल दो बस, कब बहुत बारी तो आप जनरल टर्म डायरेक्टली प्रोग्रेशन को पैटर्न को मैच करके निकाल सकते हो। जैसे देखो ऊपर वाले की जनरल टर्म मैंने कितना आसानी से टी आर लिख दिया उसको, या अभी जो स्पेशल सीरीज लिख के आए हो आप उनमें आप जनरल टर्म झट से पहचान लोगे। चारों की जनरल टर्म आसानी से पहचान जा सकती है। एक की टू आर माइनस वन है, एक की आर स्क्वायर थी, एक की मतलब जो सिग्मा के साथ लिखा हुआ आर सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब सिग्मा टू आर माइनस वन, तो वो टू आर माइनस वन आर क्यूब आर स्क्वायर आर वो जनरल टर्म थी। तो या तो आप जनरल टर्म निकाल लो सिग्मा लगा दो, यही करना है वैसे तो हमें, बस ये जनरल टर्म कैसे कैसे निकलेगी ये समझते जाएंगे अलग अलग तरीके से। एक और बात, लेट्स से आपको SN दिया हुआ है, SN ये है आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से ये लिख लिया आपने SN वाले हैशटैग, मैं SN को नीचे वाले SN को मैं हटाने जा रहा हूँ जिसपे सिग्मा टी आर लगा रखा है।
यार आवाज आ रही है ना मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके तो सेकंड चीज में ये समझा रहा था कि एसएन जब भी हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। लेट्स से मैं एस एन माइनस वन लिखना चाहता हूं, इसका मतलब होगा सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। यानी कि सिर्फ यहां तक की टर्म्स का सम, कुछ गलत तो नहीं लिखा, देख लो एस एन एन टर्म्स का सम। तो टी वन फर्स्ट टर्म थी, टी टू सेकंड टर्म थी, अप टू टी एन तक गया। और अगर एस एन माइनस वन लिख रहा हूं तो इसका मतलब है सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, तो टी वन से लेकर टी एन माइनस वन तक गया। ठीक है जी, दोनों को माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड तो बनी सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। राइट हैंड साइड पे देखो टी वन कैंसिल, टी टू कैंसिल, ऐसी टी एन माइनस वन तक सारे टर्म्स कैंसिल, बचा सिर्फ टी एन। Another important formula, कि अगर आपको SN की वैल्यू है तो TN कैसे फाइंड आउट करें। यानी कि अगर आपको कुछ टर्म्स का सम गिवन होगा और आप उस सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोस्त यहां से करें, जनरल टर्म ऐसे निकल जाएगी, टी एन निकल जाएगी, टी एन में आई एन की जगह आर रख देना तो टी आर बन जाएगी जनरल टर्म। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। Find the sum of first 12 terms of the series. पहला पहली 12 terms का sum मेरे साथ करो, चल करो, सिर्फ ये बात समझनी है जो मैं बता रहा हूं।
सिर्फ एक बात समझनी है अगेन जो मैं बता रहा हूं, जनरल टर्म कैसे लिखे भाई, मेरे को जनरल टर्म बताने का है, कोई मतलब नहीं है मेरे को और किस चीज से, जनरल टर्म पहचाननी सीखनी है आपने बस, आप जनरल टर्म बता दो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप पहला क्वेश्चन है तो मैं ही आपको जनरल टर्म पहचानने सिखाता हूं। पहली टर्म है टू स्क्वायर, दूसरी टर्म है फोर स्क्वायर, तीसरी टर्म है सिक्स स्क्वायर, फोर्थ टर्म है एट स्क्वायर, सारी टर्म्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे यहां से समझ आ जाना चाहिए जनरल टर्म पे भी स्क्वायर लगा होगा, कोई भी टर्म आप निकालना चाहते हैं उसका स्क्वायर लगा लो। फर्स्ट टर्म में टू है, सेकंड टर्म में फोर है, थर्ड टर्म में सिक्स है, फोर्थ टर्म में एट है, क्या आप मुझे फिफ्थ टर्म बता सकते हो? आपने सर टू एन करते जाएंगे, वन टू थ्री फोर टू एन करते जाएंगे एग्जैक्टली। पाइथन कौन कौन, अक्षत और देवांश तो पाइथन यूज करते ही हैं, तुम भी पढ़ते होगे देवांश और रोशनी पाइथन तुम्हारे सिलेबस में भी? नो सर। तुम्हारे अच्छा देवांश के सिलेबस में, रोशनी के सिलेबस में नहीं, ठीक है देखो यार कोई बात नहीं रोशनी, इस रेफरेंस से तू हट जा भी अलग, ये रेफरेंस मैंने ऐसे दे रहा हूँ कि हम जब कोडिंग करते हैं वहां पर भी एग्जैक्टली सेम ही काम कर रहे होते हैं, जब भी हम कभी कोडिंग करते हैं ना तो हमें ना पहले फंक्शन, हमें सपोज लेट्स से हमें किसी चीज का फंक्शन लिखना है, लेट्स से हम ये फंक्शन लिखना चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स लेस देन अ नंबर एक्स, एक्स से छोटे प्राइम नंबर्स कैसे निकालोगे, तो उसमें जब हम वो फंक्शन लिखते हैं ना तो पहले वो चीज हमें करनी आनी चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे एक्स तक के प्राइम नंबर्स। तो लेट्स से आपने एक्स डाल दिया 10, तो आपको ये बताना है 10 तक के प्राइम नंबर्स को कैसे आप पता करोगे, तो वो ना फंक्शनिंग समझ आनी चाहिए पूरी। जब आपको, जब तक आप ये आपको खुद नहीं पता कि हम प्राइम नंबर्स कैसे निकाल रहे, तब तक कंप्यूटर को क्या बताओगे यार, और उसे तो और कॉम्प्लेक्स भाषा में समझाना है एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम मतलब ऐसा मेथड जो हर बार वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी सेम, आप उसी रेफरेंस को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, अगर आप इसकी फिफ्थ टर्म बता पा रहे हो तो इसका मतलब आपने वर्कआउट कर लिया ना कि आप फिफ्थ टर्म कैसे बनी, तो जो डोंट जस्ट make it, don't just try to find it, try to actually know कि क्या reason, क्या logic लगा जिससे कि मुझे fifth term मिली। जैसे आपने कहा 10 लगी, तो भाई आपने इससे पहले ये figure out कर लिया ना कि पहले वाले में 2 into 1 हो रहा है, दूसरे वाले में 2 into 2 हो रहा है, तीसरे वाले में 2 into 3 हो रहा है, fourth में 2 into 4 हो रहा है, मैंने पूछा fifth term बताओ, आपने कहा 10 का square, तो 2 into 5 का square, ये आपको figure out करना है हर बार। आप या तो ऐसे देख लो कि next term क्या हम इसकी बना पा रहे हैं, next term बनाते तो क्या लिखते, या फिर आप इसके पैटर्न से समझो क्या है बना रहा है। तो इसकी टी आर जनरल टर्म मैं टू आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, आप रख लो आर को वन फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, आर को टू, जब आप टी आर बना लो, जब आप टी आर बना लो आप देखो वापस जाके उसको रख के देखो, फर्स्ट टर्म आपके पास टर्म्स गिवन होंगी, फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये सारी गिवन ही होंगी आपको, तो आप इसकी आर की वैल्यूज रख के देखो क्या सेम सीरीज बन रही है। मुझे पता है आपको समझ आ चुका है, बट मैं ये बार बार चीज सारी चीजें एक्सपीरियंस ले कर रहा हूँ, आपको देखनी पड़ेगी ये चीजें आगे चल के। अभी तो पहला क्वेश्चन भी तो है यार, ये भी तो समझ, पहला क्वेश्चन है मैं ऐसी सीरीज दे दूं जो बने ही ना, फायदा क्या होगा, तो वो तो दी इसी तरीके की गई है कि आप समझ लो पहले तो क्या है क्या हो रहा है ना। अब टू आर का होल स्क्वायर हमने यहाँ से ये भी चेक कर लिया कि हाँ जी टी आर हमारी सही है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू 1 2 3 4 रख के कंफर्मेशन ले लिया कि हाँ हमारी टी आर सही बनी। तो यानी कि अगर आप Sn निकालना चाहते हो, आप S12 निकालना चाहते हो, S12 n की वैल्यू 12, तो अगर आप Sn निकालना चाहते थे तो Sn होता है सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू n tr, आप क्या चाहते हैं S12 फर्स्ट 12 टर्म्स का सम, तो क्या होना चाहिए r की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक, और tr की जगह रख दो 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। आप क्या करें, अब आप 4 को बाहर निकाल दो, ये बचता है सिग्मा की वैल्यू r इज फ्रॉम 1 टू 12 r स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़ के आए, सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अगर 1 से लेके n तक जा रहे हैं तो n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 था, यानी कि इस केस में हो जाएगा n विच इज 12, 12 इंटू इससे एक नेक्स्ट टर्म 13, फिर 12 इंटू 2 12 के n के दोगुने से एक ज्यादा यानी कि 25, नॉट प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 6 कैंसल आउट हुआ 250, 200, 2600।
कोई भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। एक और तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो देखो हर टर्म से टू स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो ये बन जाएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर अप टू ऐसे चलते चलते अगर आप पहली 12 टर्म्स का सीरीज का सम निकालना चाह रहे हैं तो 12 स्क्वायर यहां से टू स्क्वायर निकालेंगे वन बचेगा अगले वाले में से अगले वाले फोर को ऐसे लिख सकते हो टू इंटू टू स्क्वायर कर रखा है तो टू इंटू टू स्क्वायर तो एक टू स्क्वायर चला जाएगा एक टू स्क्वायर बच जाएगा ऐसे ही सिक्स को लिख सकते हो टू इंटू थ्री का होल स्क्वायर तो एक टू स्क्वायर बाहर चला जाएगा थ्री स्क्वायर बच जाएगा उसी सीरीज को ऐसे भी लिख सकते थे छोटे टर्म्स में कोई भी डाउट हो प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क आएंगे डाउट्स आई नो दैट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट डोंट नीड टू हेजिटेट नेक्स्ट जनरल टर्म सर सेकंड वाले का जनरल टर्म आ रहा है टू आर प्लस वन का होल स्क्वायर और आर की वैल्यू कहां से रख रहा है लेकिन सर इसमें समीशन लगाएंगे तो आर जीरो से एन तक जाएगा ये दिक्कत है बस तो तू इसको 2r माइनस वन क्यों नहीं लिख सकता हाँ ये लिख अब r वन से n तक जाएगा यस सर यस उसमें जीरो से n तक नहीं जाता बाय द वे जीरो से n माइनस वन तक जाता यस सर टर्म्स तो n ही है ना हाँ जी तो इसने निकाल दी बिल्कुल सही निकाली और जनरल टर्म 2r माइनस वन है इस बार ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है ऑड नंबर्स का स्क्वायर 2r माइनस वन से दिखा सकते हैं तो इसी चीज को पहली चीज आप इसे लिख सकते थे सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू जहां तक भी आप जाना चाहते हैं r की वैल्यू 1 रखेंगे देखिए तो 1 बन जाएगा 1 का स्क्वायर r की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पे तो 3 का स्क्वायर r की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर आपको कहां तक चाहिए सम 12 तक आपको ये निकालना आप इसे निकालें कैसे अब मेरे साथ आ जाओ तो यार मैं इसको हटा रहा हूं कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड जिसने नहीं लिखा है अभी तक कूल सो वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू यही चीज चलती जा रही है हमें तो ये निकालना है भाई कैसे करें सॉल्व एक तरीका तो यही है कि जो अभी आपने सीखा ही है सिग्मा सिग्मा लगाया सीरीज का सम निकाल दिया निकाल देंगे अभी देखिए तो सीरीज का सम बन जाएगा एक और तरीका भी है अभी वो भी सिखाऊंगा 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ये बना 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r होल स्क्वायर को ओपन कर दिया अब सिग्मा को एक एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया S निकाल रहा हूं ना S12 ये लिख देता हूं S12 इसका मतलब S12 बन गया देखिएगा जरा ध्यान से पहले के साथ सिग्मा भेजा 4 बार आ गया 4 सिग्मा R is from 1 to 12 R square प्लस इसके साथ सिग्मा भेजा 1 ही बचा रहा आपने सिग्मा R is from 1 to 12 1 माइनस 4 बाहर आया सिग्मा R is from 1 to 12 R. जो मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने करके भी दिखाया आपको देखो सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलग अलग सिग्मा को तीनों के साथ भेज दिया तीनों की वैल्यू मेरे को निकालनी आती है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसका सम 12 इंटू 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि आर स्क्वायर का सम दे रखा है फॉर्मुला वही लगाया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है यहाँ पे 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 माइनस 4 इंटू ये है समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इसका फॉर्मुला होता है 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 आंसर निकाला कुछ आएगा जो भी आएगा आंसर मिल जाएगा तो 26 सही है
2500 2600 2612 312 समय 12 टर्म्स का 23 2300 But let's find out the sum again with some another method. आसानी से कैसे कर सकता था मैं इसको वो एक अलग बात है, पर आपको ये मेथड आना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं, यही मेथड है प्रॉपर मेथड वर्कआउट करने का ये है। इसके अलावा सब ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा नो डाउट, बट कन्वेंशनल मेथड का भी नहीं भूलना, ये मेरी क्लास का उसूल है। हम शॉर्टकट शॉर्टकट सब सिखाएंगे, कोशिश करेंगे आपको सब चीजें बता दें, और कन्वेंशनल मेथड छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। एडवांस क्वेश्चन पूछेगा शॉर्टकट से नहीं लेगा भाई, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व होगा, वो चीजें बदल देगा उसकी, शॉर्टकट उसके बनाने पड़ेंगे खुद पे बैठ के, वो बनेंगे ऐसे जब कन्वेंशनल मेथड्स आ रहे होंगे। आगे बढ़े इसी क्वेश्चन को दोबारा सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो हमें सम दिया गया था, सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना था, पर मुझे पहले सम ये दिया गया था। पहले मैंने देखा कि मुझे इस तरीके की सीरीज दी गई है, फोर्थ टर्म 7 स्क्वायर है, यानी कि 4 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर है। तो अगर मैं 12th टर्म निकालना चाह रहा हूं तो वो 23 का स्क्वायर होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये वर्कआउट कर लीजिए। अब मेरे को 1 से लेकर 23 के स्क्वायर तक का सबका सम निकालना आता है, पर दिक्कत है यहां पे 2 स्क्वायर नहीं है, 4 स्क्वायर नहीं है, 6 स्क्वायर नहीं है, 22 स्क्वायर नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है, सारे इवन नंबर्स का स्क्वायर नहीं है। तो मैंने कहा यार चल कोई ना, जोड़ देता हूँ घटा देता हूँ सारे इवन नंबर्स का स्क्वायर 23 तक जितने भी आ रहे हैं। सारे स्क्वायर्स को जो भी 1 से लेकर 23 तक के बीच के स्क्वायर्स मिसिंग थे यानी कि इवन वाले, उन सबको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड करके ये सारे को 1 से लेकर 23 तक का स्क्वायर ही बना लिए। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सब में से 2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ये बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर। ये क्या है, ये है दोस्त सिग्मा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेकर 23 तक जा रही है, माइनस 4, ये है दोस्त सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक आर स्क्वायर ही है। ये कैसे निकाले, अरे सारे फॉर्मूले आते हैं तो एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 टाइम्स एन एन प्लस 1 2n plus 1 divided by 6, 6, 4, 6, 2, common क्या निकाले, 23 निकाल लो, 4 निकाल लो, 23 into 4, 92, बचा bracket के अंदर क्या, 47 minus 22, 47 minus 25, आंसर आया, नो डाउट ये उससे छोटा है। पूछ सकते हैं आप कहीं भी डाउट है तो। ओके जी आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द सम ऑफ फर्स्ट थर्ड पार्ट है, इसी ये भी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ही निकालना है, तीनों में सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ही निकालना था। इस बार सीरीज ये दी गई है,
ये एन टर्म्स तक ऐसी सीरीज है। तुमने तो भाई बस इसकी पहली 12 टर्म्स का सम निकालना है। तीन टर्म्स दिखाएगी पैटर्न समझाने के लिए आपको। ये क्वेश्चन था सर उसमें असाइनमेंट में जो नहीं हुआ, तो अब वही ना दिव्यांशु, अभी तो हम पहुंचे नहीं, तो चैप्टर खत्म होने दिया कर, फिर देखा कर कितने क्वेश्चन होते हैं। जितने मैं करा देता हूँ क्लास में इतने, तो जितने असाइनमेंट में लास्ट क्लास वाली और संडे वाली क्लास के तो असाइनमेंट दोनों की सही हुई थी, उसमें वो आगे तक की चीजें डाल देते हैं, उन्हें नहीं पता होता ना मेरे से। यार सही बताऊं तो दिव्यांशु मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, बट इस बार ये टाइम मैं बढ़ा दूंगा, मैं ध्यान दे रहूंगा क्या किस तरीके के असाइनमेंट्स और किस तरीके के टेस्ट तुम्हारे पास जा रहे हैं। अभी उसकी स्क्रूटनी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अपने असाइनमेंट्स चलेंगे, अदरवाइज मेरे अपने टेस्ट चलेंगे। मतलब ऐसे क्या होता है कि हमारे बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो वो लोग कुछ अलग असाइनमेंट अपडेट कर देते हैं, ऑल्दो वो अच्छे ही करते हैं, पर ऐसा हो जाता है कि कभी कभार जैसे तेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि भाई हम उन्होंने आगे वाला असाइनमेंट अपडेट कर दिया, वो नहीं करना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आगे के भी होंगे, पर हम असाइनमेंट अपडेट कर देते हैं, बट हम क्वेश्चंस बताते हैं, टफ होते हैं करने में, थोड़ी डिफिकल्ट वो तो देनी है डिफिकल्ट, क्योंकि क्लास में हम एडवांस से भी हल्के फुल्के ऊपर तक के क्वेश्चन सारे कराते हैं क्लास में, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो मेन से थोड़े डिफिकल्ट और एडवांस से थोड़े इजी होंगे, उस तरीके के थोड़े से क्वेश्चन। इसमें ना ऑप्शन दिए हुए तो बता दूं मैं, ऑप्शन छोड़ दे तू, मैं सब निकाल लेंगे अपन यार, ऑप्शन ऑप्शन की जरूरत नहीं, मतलब इसमें ना सर इसका जनरल टर्म ही फाइंड करना था, इसमें आंसर नहीं निकालना बता दे तू, छोड़ दे अब उसको ऑप्शन को फिर, अब तू आज तो हमने जनरल टर्म निकाल ही रहे थे, चल तू पहले ये बता मुझे इसकी फोर्थ टर्म बता क्या होती, इसकी फोर्थ टर्म समझते हुए 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 1+3+5+7। अब इतना आसान होता है देख फोर्थ टर्म तो निकालना, अब इसी चीज को पैटर्न से समझना, इस चीज को ऐसे समझना कि अगर मैं कि अच्छा अब ऐसे समझ, टेंथ टर्म डिफाइन करता तो कैसे निकालता सर, 1 से लेके 10 का क्यूब ऊपर कर देते समीशन में और फिर नीचे, तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यही आरएथ टर्म का न्यूमरेटर क्या होता है अब ये बता, आरएथ टर्म का न्यूमरेटर होता है r+r+2। सारा सही कर करके भी फिर गलत कर दिया। अच्छा मेरे को लगा डिनोमिनेटर ये होता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, थर्ड टर्म में 1³ से लेकर 3³ तक जा रहे हैं, फोर्थ टर्म में 1³ से लेकर 4³ तक जा रहे हैं, ऐसे ही आरएथ टर्म में 1³ से लेकर r³ तक जा रहे होंगे न्यूमरेटर में। अब आ जाते हैं जरा डिनोमिनेटर पे सर, डिनोमिनेटर के दो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, पहले में कितने ऑड नंबर्स थे, 7, सेकंड वाले में दो, तेरी पॉसिबिलिटीज देख अभी खत्म हो जाएंगी, थर्ड वाले में 3, फर्स्ट थ्री ऐसे सम ऑफ फर्स्ट आर ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट आर ऑड नंबर्स, और आरथ ऑड नंबर होगा क्या सर, जो लास्ट टाइम होगा 12, अच्छा 2r-, हां हां ठीक है ठीक, इसकी ये जनरल टर्म होगी। अब आप इसका भी सम निकाल सकते हैं, क्यूब्स तक का सम आपको निकालना आता है, r r plus 1 by 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए पहले जनरल टर्म को, और ये बन जाएगा r स्क्वायर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा r plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आपकी r टर्म आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। इस पे आप सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा r is from 1 to 12, आपका s 12 निकल जाएगा, कोशिश करिएगा निकालने की, हो जाएगा क्वेश्चन, आप बस यही काम था मेन, तो इसके बाद ट्राई करना आप सभी लोग, और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, अगर नहीं होता है तो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में। सर वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, अभी मैंने देखा, चेक कर लियो, अब सब हो जाएंगे, अब सब होने शुरू हो जाएंगे, बस हमें पहले ये सब बातें समझनी जरूरी थी जो अभी हमने समझाएंगे। चलो अभी लेट हो गए क्लास में, दूसरे सर आ चुके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके ओके।